सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंच बनाने के लिए स्वयं भगवान प्यार का सागर आया है, तो आज हम बच्चों को कह रहे हैं, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी बारिश बने हो, मतलब बच्चे बने हो, तो आज बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे की स्मृति में रहो तो दिल में खुशी का ढोल बजे 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 बजते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं, सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलेवेड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं, बाबा हमें 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बना रहा है। हमारे सतयुगी राज्य में सब चीजें फर्स्ट क्लास होगी, तत्व भी स्वत प्रधान होंगे, आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल फूल समान होंगे। इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। बागते हैं, बच्चे जानते हैं कि बाप परम धाम में रहने वाला है। वो बाप खुद बच्चों को कहते हैं, अब तुम भक्त नहीं हो, अभी तुम भगवान के बच्चे हो। भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं, भक्तों को भगवान नहीं कह सकते, भक्त अनेक हैं, भगवान एक है। अब भक्त मनुष्य हैं तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। गाया जाता है, भगवान घर बैठ आते हैं, किसके घर? मनुष्य के घर। भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परमपिता परमात्मा एक है और भक्त अनेक हैं। सभी मनुष्य इस समय भक्त हैं, भगवान को याद करते हैं, समझते हैं कोई समय भगवान को आना जरूर है। वो ईश्वर का रचिता तो जरूर एक ही होगा ना, अनेक तो नहीं हो सकते कि अनेकों ने मिलकर स्वर्ग बनाया रचाया। स्वर्ग तो रचने वाला एक ही है। ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है, क्योंकि भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं, आधा कल्प तो मुझे याद करते हैं। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूं। भक्त भी मनुष्य हैं, हमको मिलना भी मनुष्य से है। तो बाबा कहते हैं, जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, ऐसे नहीं कि कच्छ मच्छ में आ गया। बाप कहते, मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूं, मेरा पार कोई पा ना सके, इसलिए मैं ही आकर अपना परिचय देता हूं कि मैं आया हूं। तुम बच्चे जानते हो, बाप मनुष्य तन लेकर आते हैं, वो भी समझाते हैं कि मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूं। यह है सबसे बड़ा भक्त, कौन? ब्रह्मा। एक तो भक्त नहीं है, अगर जो भी पुराने भक्त हैं उनका हिसाब बताते हैं, वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग में आदि में थे, फिर वो भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं, तो वो हुए सबसे पुराने भक्त। उन्होंने ही पूरी भक्ति की है, वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने, फिर आकर सम्मुख मिलते हैं। तुम जानते हो, हम भी भक्त थे और भक्त का फल भगवान देते हैं, क्या ज्ञान? भक्त तुम समझते हो,
हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं। वो आशा रखते हैं बहुत धनवान बने, संपत्ति तो जरूर चाहिए तब तो सुख होगा। संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए, हेल्थ वेल्थ है तो सुख बहुत है। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल नहीं सकती, एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास ये हो नहीं सकती। वहां तो तुम सब 21 जन्म के लिए हेल्दी वेल्दी में रहते हो, वहां तो अनादि आदि हर चीज बहुत सस्ता ही होगी, पैसे की तो दरकार ही नहीं होगी। पैसे बदले आरशिफिया देते होंगे और चीजें फर्स्ट क्लास होगी, तब तो भी स्वतः प्रधान बन जाते हैं, तो उनसे माल भी बहुत अच्छा बनते होंगे, खाना आदि में कितना मजा होगा। अभी तुम्हारे दिल में ढोल बाजा बजना चाहिए। मस्ट बिलीव्ड बाप आया हुआ है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कोई और आया है, क्योंकि मोस्ट बिलीव्ड बाप आया तो कहते हैं मुझे याद करो तो पूरे विकर्म विनाश हो, गुलगुल फूल बनो, आत्मा गुल होगी तो शरीर भी अच्छा मिलेगा। तमेव मातश्च पिता तमेव, यह किसकी महिमा है, कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है। क्या उनको कहेंगे मात पिता कुत्ते बिल्ली को, मनुष्य की बुद्धि क्या बन पड़ी है, भव का कितना दिखाते हैं। इसी को कहा जाता है माया का पंप। रावण के राज्य में मनुष्य को नशा कितना है जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं उन्हों को नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर की है। तुम बच्चे अब समझते हो, हम श्रीमद् प्रचल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दिव्य गुणधारी बनाते हैं, अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ देवी राजस्थान बनाते हैं। जिनको यह नशा होगा वो ही ऐसे बनेंगे। कहां भी भाषण करो तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भगवान है ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, हम उनकी मत पर चल रहे हैं। यादव और कौरव दोनों हैं रावण की मत पर, और हम पांडव हैं भगवान की श्रीमत पर, जीत भी हमारी है। तो बाबा कहते हैं यादव और कौरव दोनों हैं रावण की मत पर। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापना नहीं करते हैं, भगवान बाप ही स्थापना करते हैं निराकार सर्वशक्तिमान। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं और कोई भी ऐसे कह नहीं सकता कि हम ईश्वर की मत पर हैं, मतलब ईश्वरीय मत पर हैं। हाँ कहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं इस तन में आकर मत देता हूं जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तो भागते हैं जो समझे बरोबर, हम भी शिव के पौत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं, हम उनके बने हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया। अभी फिर से यह नई रचना रच रही है। कल पहले यह ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने थे, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ऐसे ऐसे अच्छे रीति चक्र का राजबुद्धि में बिठाना चाहिए। पहले तो बाप का पूरा परिचय देना है, बाप ने हमको सुनाया है, हम फिर तुमको सुनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, चक्रवर्ती राजा कैसे बनता है और कैसे बनना है यह नॉलेज है। इसमें कोई हथियार पावर नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की तो जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना, मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह जरूर जानना चाहिए। भागते हैं हम बाप से सुनते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनसे बेहद का सुख मिलता है, तो क्यों नहीं बेहद के बाप को याद करना चाहिए। भागते ऐसे से बातें करो। तो आज बाबा धारणाओं के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं रूहानी यात्रा पर तत्पर रहो,
याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल मतलब फूल समान बनाओ। विकर्म विनाश करने हैं। हम डायरेक्ट ईश्वर के मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुण धारणी बनाने की सेवा के निमित्त हैं। इस स्मृति में रहना है। साथ हैं बाबा, आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भव। बाबा कहते हैं जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की सका से घिरा हुआ रहता है, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है, पंखुड़ियां सूर्य की किरण के समान सर्किल हो जाती है, ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं कभी दूर नहीं होते। वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते हैं और दूसरों को भी चमकाते हैं। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम अनुभव के द्वारा सोमान अनुभव करेंगे कि मैं सदा परमात्मा के साथ रहने वाला सूर्यमुखी फूल हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिमान बाबा निरंतर मेरे मस्तक के ऊपर है, 24 घंटे अनवरत किरणें मुझे आत्मा पर बरसा रहे हैं और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।